हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को हमने शामिल किया है। ध्यान देंगे बच्चों, यह प्रश्नोत्तर श्रृंखला आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको सफलता दिलवाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ध्यान देंगे बच्चों, हमने खरीफ और रबी की फसलों को आपको विस्तार से समझाया था। यदि यह वीडियो आपने न देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट में जा करके आप यह वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर एक देखेंगे, खरीफ की फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? विकल्प दिए हुए हैं गेहूँ, चना, मटर। इसमें से कौन सी फसल खरीफ की है? जी हाँ, धान। बिल्कुल सही, धान जो है आपकी खरीफ की फसल है। इसके अतिरिक्त देखेंगे कि मूंगफली, कपास, धान, मक्का और सोयाबीन, ये फसलें भी खरीफ की फसल के अंतर्गत ही आती हैं। रबी की फसल को देखेंगे तो गेहूं, चना और मटर, सरसों, ये फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो खरीफ की फसल कौन सी है? धान। सही विकल्प क्या हुआ? धान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इष्ट का उपयोग निम्न में, इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। विकल्प ए चीनी, विकल्प बी अल्कोहल, विकल्प सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, विकल्प डी ऑक्सीजन। तो ध्यान देंगे बच्चों, ईस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अल्कोहल का निर्माण ईस्ट की सहायता से ही होता है, अल्कोहल अर्थात शराब। प्रश्न संख्या तीन देखेंगे, निम्न में कौन प्रतिजैविक है? तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये आपका प्रतिजैविक है, ये प्रतिजैविक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या चार देखेंगे, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया रोग ऐसा रोग होता है जो स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति को भी अपनी चपेट में आसानी से ले सकता है। तो यह रोग किस कारण से होता है? देखेंगे, विकल्प है मादा एनाफिलीज मच्छर, काकरोच, घरेलू मक्खी, या इनमें से कोई नहीं, अन्य कोई कारण हो सकता है। तो इसका सीधा सा कारण है, मच्छर होता है, उसका नाम होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, जिसके काट लेने से मलेरिया रोग हो जाता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण है, संचरणीय रोग एक से दूसरे में हो जाना, संचय करता है, किससे होता है? सीधा सा उत्तर है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी कहीं बाहर जाकर के देखेंगे गंदी सी जगहों पे बैठी रहती है, और फिर बाद में आकर के आपके खाद्य पदार्थ में बैठ जाती है, और आप ध्यान न दे करके वही खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, जिससे आप बीमार पड़ जाते हैं। तो ये जो संचरणीय रोग आपके देखने को मिलेंगे, इनका मुख्य कारण घरेलू मक्खी ही है। विकल्प सही हुआ बी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। तो इसका सीधा सा कारण है, ब्रेड और इडली के फूलने में ईस्ट का इसमें भी प्रयोग होता है। ईस्ट के जब ईस्ट का प्रयोग करते हैं तो ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है। जब उसको उष्ण किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, उसकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है। तो इस कारण से इडली और ब्रेड फूल जाते हैं। तो सीधा हो गया, यहाँ पे ईस्ट की कोशिकाओं में क्या होगा, ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि हो जाने के कारण ही ब्रेड और इडली फूल जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, ध्यान देना, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करना आपको पता है कि किण्वन कहलाता है, हमने बताया था। ध्यान ना हो तो फिर से ध्यान दीजिए, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है। सीधी सीधी बात बता दी गई है कि रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, कारण क्या है इसका? तो देखेंगे बच्चों, क्योंकि ये कास्ट लुगदी से प्राप्त होता है, अर्थात इसको प्राप्त किया जाता है कास्ट लुगदी से, जिस कारण से ये संश्लेषित रेशा नहीं है। प्रतीत तो होता है संश्लेषित जैसा, लेकिन ये संश्लेषित रेशा है नहीं, इसे कास्ट लुगदी से
प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? कौन सा ऐसा पदार्थ, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनको आप अधिक से अधिक पीटते हैं तो और पतली हो जाती है और चादर के रूप में, चादर लंबी चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें सही हो जाएगा जिंक। जिंक को आप जितना भी, चूँकि धातु है, जितना भी पीटेंगे तो ये उतनी ही पतली होती जाएगी और पीटेंगे और पतली होगी, और पीटेंगे और पतली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऐसे प्रश्न आपको प्रतियोगी की परीक्षाओं में देखने को मिल जाते होंगे, जिसमें समानतया देखते हैं कि एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उसमें से एक विकल्प सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर उसका सही प्रतीत होता है, तो उसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है कि कौन सा सबसे सही उत्तर है। एक जैसे ही लगते हैं, ध्यान देंगे, ए विकल्प देखते हैं, सभी धातुएं तन्य होती हैं। ए विकल्प है, सभी धातुएं तन्य होती हैं। बी विकल्प बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, लेकिन अंतर है, सभी अधातुएं लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा है? अधातुएं तन्य होती हैं। सी विकल्प है, सामान्यतया धातुएं तन्य होती हैं। और डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देने योग्य बात है कि जो सामान्यतः हम देखते हैं कि धातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः, न कि सभी अधातुएं, न कि सभी धातुएं, सामान्यतः की जब बात करते हैं तो धातुएं तन्य होती हैं। यह विकल्प सबसे सटीक सही प्रतीत हो रहा है, तो यह विकल्प हमारा सी सत्य है। आशा करते हैं बच्चों कि यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो आप कमेंट कीजिए, और इससे पहले के जो वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप उनको देख लीजिए। अगर अच्छी लगती है तो हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाएंगे, जिसमें आपके NCERT प्रश्नों उत्तर से बहुविकल्पी प्रश्नों को चुन करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपके अध्यायवार अध्ययन में भी सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। धन्यवाद।